तो इस वजह से छपाक में लक्ष्मी के रोल के लिए दीपिका पादुकोण को चुना गया। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। एसिड हमले की सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर बन रही फिल्म छपाक में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लक्ष्मी का किरदार निभा रही है। इस फिल्म के लिए दीपिका के लुक को लक्ष्मी के जैसे बनाने की ही कोशिश की गई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एसिड अटैक से पहले लक्ष्मी का चेहरा दीपिका से मिलता जुलता था। फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार ने एक बातचीत के दौरान बताया कि छपाक के लिए उनके दिमाग में हमेशा से ही दीपिका रही है, क्योंकि उन्होंने एसिड अटैक से पहले लक्ष्मी की तस्वीरों को देखा था जिसमें लक्ष्मी कुछ हद तक दीपिका जैसी दिखती है। हालांकि हमले के बाद उनके असली चेहरे का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। फिल्म में मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दीपिका काफी हद तक लक्ष्मी जैसी लग रही है। पद्मावत, तमाशा और बाजीराव मस्तानी के बाद दीपिका लाइट प्रोजेक्ट्स करना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने छपाक के लिए हाँ कहा तो मेघना सरप्राइज रह गई। मेघना ने कहा कि अपनी त्वचा से निकलकर किसी और की त्वचा में खुद को पूरी तरह डुबो देना, इस तरह की ग्राउंडिंग में आपको बहुत समय लगता है। दीपिका पादुकोण, जिन्हें उनके चेहरे, ब्रांड और अभिनेत्री के रूप में हम सब जानते हैं, उन्होंने ये रोल निभाने के लिए सब कुछ बहा दिया है। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। छपाक अगले साल 10 जनवरी को थिएटर्स पर रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।